अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक के बाद एक योगी के फैसले पड़ रहे भारी, विधायकों में दिख रहा सरकार के खिलाफ गुस्सा, हर फैसले पर मूक सहमति के साथ अंदरूनी गुस्सा, एक बार फिर सुलग रही है बगावत की आग। योगी के एक फैसले ने फिर सुलगा दिए विधायक, सामने विधायक चुप लेकिन अंदर ही अंदर हो रहे हैं खफा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ लगातार बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। वहीं प्रदेश की सरकार अब प्रदेश में दोहरे मोर्चे पर जंग लड़ रही है। एक तरफ कोरोना का कहर सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और जो सुरक्षित हैं वो योगी के खिलाफ राग विरोध की ढपली बजा रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन हालातों से पार कैसे पाया जाए। वहीं कोरोना की वजह से प्रदेश सरकार का आर्थिक ढांचा हिला हुआ दिख रहा है। कमजोर होती आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दो दिन पहले ही योगी की तरफ से विधायक निधि पर कैंची चलाने के संकेत मिले तो फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए परेशानियों का सबब ये फैसला बनता जा रहा है। सरकार ने जब विधायक निधि की कटौती के संकेत दिए तो उसमें खुद को भी शामिल किया। ऐसे में पहले तो तमाम विधायकों ने फैसले पर खुशी जताई लेकिन जैसे ही विधायकों को एहसास हुआ कि अब उनकी ही जेब पर सरकार के इस फैसले का जोर पड़ने वाला है तो फिर एक एक कर विधायक बगावत पर उतर आए। हालांकि इस मामले में हरदोई जिले से तो खुलकर आवाज बुलंद हुई लेकिन अन्य जगहों के विधायक कार्रवाई के डर से खुलकर बोलने से बच रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर सीएम के फैसले से विधायक खफा बैठे हैं और विधायकों का मानना है कि विधायक निधि पर कैंची चलाने से सरकार का तो भला हो जाएगा लेकिन विधायकों के पास अगर आवाम आर्थिक मदद के लिए पहुंची तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसे में विधायकों को दोहरी मार पड़ेगी। एक तो आवाम की उम्मीदों पर विधायक खरा नहीं उतर पाएंगे तो फिर उनका जनाधार कम होगा। दूसरा, सरकार टिकट देने से पहले जब इलाके का सर्वे करवाएगी तो विधायक से टूटी उम्मीद में लोग विधायक के बारे में खामियां ही गिनवाएंगे और ऐसे हालात में पार्टी आला कमान टिकट काटने का फैसला भी सुना सकता है। ऐसे में प्रदेश सरकार के विधायकों को लगता है सरकार अपनी कुर्सी तो बचा लेगी लेकिन विधायक निधि रोक कर विधायकों के सामने दोहरी समस्या पैदा कर देगी। ऐसे में विधायक सरकार के खिलाफ खुलकर तो नहीं बोल रहे लेकिन अंदर ही अंदर बगावत की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कि एक दो हफ्ते या फिर महीने में फिर से कहीं बीजेपी के घर में रार फैली न दिख जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी। देखना यह है कि विधायकों के अंदर दबा गुस्सा निकल कर कब तक सामने आता है और अगर उजागर होता है तो उसका असर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।